नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। इस वक्त जो है पठनपुरा पंचायत के सहनिया पट्टी में हैं हम, और यहां पर वार्ड नंबर ये 4 है, जहां पर वार्ड मेंबर की प्रत्याशी बनकर के एक महिला जो है यहाँ पर खड़ी है। उनसे जानेंगे, उनके पति, उनके घर के लोगों की सेवा में हमेशा रहते हैं, तो जानते हैं उनसे कि क्या मकसद है और क्यों जो है खड़े हैं। बाबा, आप अपना नाम बताइए। सर, मकसद यही है, इस प्रतिनिधि है 4 वार्ड में, अच्छा काम, अच्छा विवाद के लिए, अच्छा काम करने वाले के लिए अच्छा चुनिए पब्लिक। हमारे ऊपर पड़ती यही है सर, इतना ही बात चाह रहा है जो मतलब किसी का बुरा नहीं हो, किसी का बुरा नहीं हो, नहीं हो। तो इनको जीतने के बाद ये काम कर पाएंगे लोग? हाँ जी, जीतने के बाद करने के लिए करवाएंगे, करेगा वो, करेगा वो, ठीक है। तो इस वार्ड नंबर 4 से जो वार्ड मेंबर में खड़ी है, उनका नाम क्या है? क्या नाम है उनका? शिकिरिया देवी। तो क्या लगता है कि वो महिलाओं के लिए, लोगों के लिए काम कर पाएगी? लोगों के लिए, अपनों लिए, सब के लिए, पूरा पिराथी के लिए काम करेगी, करेंगी, सब जनता के काम करेगी, सब जनता के काम करेंगे। तो छोट धक्के पकड़ेंगी तो वहीं पर घर है। अच्छा, नहीं करेंगी ना तो उसका छोट धक्के पकड़वा के कराएंगी, फिर सरकार देगी तब ना कराएंगी। हाँ, सरकार तो देगा। हाँ, नहीं करेंगी तो उसका जेल भेजेगी। हाँ हाँ, लेकिन इस बार आप लोग चाहते हैं कि इसको मौका मिलना चाहिए, चाहिए, ताकि जो है ये लोग की सेवा कर सके। हाँ, क्या लगता है कि ये लोगों की सेवा कर पाएगी? कि वार्ड मेंबर बनने के बाद जो है कहेगी हम नहीं, हम जो है बड़े हो गए, आप न बोलते है ऐसा? हाँ, काम करते ही हो, काम करते ही। क्या लगता है कि अच्छा लगता है काम, काम करेगी वो? तो आप लोग जो है, सब लोग चाहते हैं कि ये मेंबर बने? चाहते हैं। हाँ, वार्ड के सब लोगों के साथ इनका संबंध कैसा है? अच्छा, ठीक है। लोग सबके बीच में झगड़ा उगड़ा ऐसा ना कुछ है? नहीं है। क्या नाम है आपका? शिकिरिया देवी। शिकिरिया देवी, आप क्यों खड़े हैं वार्ड मेंबर बन के, क्या करना चाहते हैं आप? हम क्या करना चाहते हैं, हम सब, हमको पब्लिक, आप कहते हैं शिकिरिया देवी ठहरा हो जी, हम कहे नहीं ठहरा, तो आप करिए, आप अच्छा आदमी है, अच्छा काम करेगा, अच्छा से सब पूरा 4 नंबर वार्ड में अच्छा से चलाएगा, वही के लिए हमारा सब पब्लिक चुना है, तो हम ठहरा हुआ है ना, इतना सब पब्लिक जो आपको चुना है जी, तो सब पब्लिक को धोखा तो नहीं दीजिएगा? नहीं नहीं, हम कैसे धोखा देंगे, हम नहीं धोखा देंगे। हाँ, कैसे हम धोखा देंगे, हम काम करेंगे, काम करने के लिए, घर पर देख के हम क्या, हम धानिक नहीं है, गरीब आदमी है, हम चुनेंगे, हम कुछ सब चुना है, तो हम सब वही पर तो आप देख सकते हैं कि इनको यहाँ की जनता, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की महिलाओं ने, पुरुष ने, युवाओं ने, सब लोगों ने मिल करके इनको खड़ा किया है वार्ड मेंबर में। इनका स्वभाव अच्छा है, इनका जो है लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा है, तो लोगों को ऐसा यकीन है और लोग ये चाहते हैं कि ये काम कर पाएंगे। आइए इनसे भी जानते हैं। सर, क्या लगता है कि वार्ड मेंबर बनने के बाद? मैं अमृत राय है जी, घर नंबर सहनियापति, वार्ड नंबर 4 से है, मेरे पिता के नाम स्वर्गीय सीता राय है। पब्लिक के सेवा करने के लिए मेरी पत्नी उतरा है, कदम में कदम मिला के जनता के सेवा करेगा, हॉस्पिटल ले जाएगा, पटना जाते हैं, इंदिरा गांधी IGMS में इलाज कराते हैं, सीतामढ़ी इलाज करते हैं, जनता के सेवा करने के लिए उतरा है, कदम से कदम मिलाकर, जे घुसखोरी चोरखोरी नहीं हो, जनता के काम हकीकत, सबके घर में लाभ पहुंचे, सबके विकास हो, कोई तरह के जनता के कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा उम्मीदवार चुना जाता है शिकिरिया देवी के। सब लोग में कदम मिला के, रात में, दुख में, सुख में, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, नेता, इसको दरबार खुला रहता है 24 घंटा, जनता के कंधे में कंधे मिला के अपने प्यार से काम करने के लिए मैं खड़े मैदान में शिकिरिया देवी उतरा है। क्या देख सकते हैं आपके, ये सभी लोग ये चाहते हैं कि शिकिरिया देवी को इस मर्तबा वार्ड मेंबर बनाना चाहिए, क्योंकि वो सब लोगों के काम आएगी। मिलते हैं किसी नए और ताजा समाचार के साथ, कैमरामैन संजीत राय के साथ, मैं मेंबर काती, सहनिया पट्टी, वार्ड नंबर 4।